A hospital throws in the towel. Faced with surging COVID and depleting oxygen, the lifeline for sinking patients. The notice says they are unable to get oxygen despite repeated requests to the UPCM and the central government, and hence requesting families of patients to take them elsewhere for treatment. This is the Mayo Hospital in Lucknow, which is turning away COVID-19 patients due to a shortage of oxygen. The shocking admission, as honest as it might be, sparked a panic. आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप कितना समझते हैं कि इस हॉस्पिटल की गलती है? स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल की यही बद कंडीशन है कि ऑक्सीजन नहीं है, और कोविड का बेसिक वो है कि इंसान की रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है. मेरे हस्बैंड का टोटली रेस्पिरेटरी सिस्टम एक मशीन के ऊपर है. मेरी मदर एडमिट है, आईसीयू L3 की पेशेंट है वो, ठीक है, और बाईपैप के सपोर्ट पे. नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से भी उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इनके पास ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं है. गवर्नमेंट से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया, बट इनके पास इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है. आप 20-25 मिनट में अपने पेशेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए. द हॉस्पिटल ऑफिशियल्स लेटर ट्राइड टू एले फियर्स. अभी बिल्कुल सिलेंडर सब कुछ है, सब कुछ कंट्रोल में है, आप लोग पैनिक का माहौल क्रिएट मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट है. When the district magistrate was confronted, she claimed the state had enough oxygen to meet the demand of all hospitals. ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल को ऑक्सीजन दे नहीं पाए. पहले चाहिए कि पैनिक बिल्कुल ना हो. जो व्यक्ति इस हॉस्पिटल में या सभी कोविड हॉस्पिटल में जो भर्ती है, सभी के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे पास है, तो किसी प्रकार की पैनिक की आवश्यकता नहीं है. Shortage of oxygen has hit Uttar Pradesh at a critical juncture when it has recorded 33,214 fresh COVID cases with 187 deaths in the last 24 hours. The highest surge in death and active cases since the outbreak of the pandemic. With Santosh Kumar, Bureau Report, India Today.